नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम अपने कार्यक्रम गुफ्तगू में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक अच्छी सी, एक प्यारी सी शख्सियत से जो कुछ अलग हटकर कुछ काम कर रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं वैशाली चक्रवर्ती जी। वैशाली जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद उषा जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। हमें भी। तो वैशाली जी के बारे में मैं सिर्फ दो बातें बताऊंगी और उसके बाद वही सारी बातें बताएंगे, क्योंकि बहुत प्यारी जर्नी है और अपने मुंह से सुनी जाए, अपने मुंह से बोली जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैशाली जी एक थिएटर प्रैक्टिशनर है, ड्रामा एजुकेटर और एंटरप्रेनर हैं। तो वैशाली जी, जॉय ऑफ ड्रामा तक का जो सफ़र है, जो वो अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ से आपकी कॉलेज लाइफ हुई और कॉलेज से भी पहले स्कूल लाइफ होगी, जहाँ से आप इस तक यहाँ तक पहुँची और ऐसा सोचा एकदम अलग हटकर थिएटर प्रैक्टिशनर और साथ में एंटरप्रेनर, दो ये जो है ना, दोनों ही चीज़ें बहुत डेंजरस है। लोग कहते हैं भैया लोग कहते हैं एकदम सिक्योर्ड पूरा लाइफ, बचपन से ही बच्चे का पूरा चार्ट कर देते हैं ना कि ऐसे 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 चलना चाहिए, और वहीं आप बिल्कुल ही अलग जा रही हैं। तो आप अपनी जर्नी के बारे में पहले बताइए सबको। धन्यवाद। हाँ, मैं जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही अनोखी है मेरी कहानी। और मेरे ख्याल से जितने भी हम आप जैसे लोग हैं जो कुछ हटकर करने की कोशिश करते हैं, हमारी कहानी कहीं ना कहीं थोड़ी मिलती जुलती भी है। क्योंकि मैं बंगाली हूँ और हम बंगालियों का ये होता है कि दुर्गा पूजा में आपको कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है, और बच्चा जब बोलने लगता है तो उसको गाना तो सीखना ही पड़ता है। मेरी शुरुआत एक्चुअली गाने से हुई। तो पहले सर आया करते थे गाना सिखाने के लिए, तो मुझे मुझे याद है मुझे हमेशा सर को ये बोलना होता था कि सर थोड़ा सा थोड़ा सा सिखाइए, क्योंकि वो सिर्फ सरगम सिखाते थे और कुछ बच्चों वाली गाने सिखाते थे। तो मुझे लगता था सर वो जो वो लोग करते ना ताने, वो ताने सिखाइए। तो मैं 6 साल की हूँ, अच्छा, 6 साल अच्छा इतना करना है तो कि अच्छा तुमको ज्यादा करना है, ठीक है। तो मुझे ताने माने सिखाए बहुत जल्दी, मैंने फर्स्ट 2-3 इयर्स ऐसे मैंने कर लिए का उनके साथ। उसके बाद मैं थोड़ी बोर हो गई गाना गा गा के, और फिर अगेन बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ बंगाली हर दुर्गा पूजा अनुष्ठान में हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो नाटक हम लोग खेलते थे और जो आस पड़ोस के भैया दीदी लोग थे वो लोग आके सारे बच्चों को लेके जाते थे अपने साथ, डांस ड्रामा करेंगे। तो मेरी शुरुआत एक्चुअली नाटक का शुरुआत मेरा स्टेज पर हुआ कलकत्ता में दुर्गा पूजा में ही। दुर्गा पूजा के पंडालों ने आपको स्टेज दिया है? दुर्गा पूजा के पंडालों ने ही हमको स्टेज दिया, और केवल दुर्गा पूजा नहीं, और भी छोटे मोटे बहुत सारे पूजा है। अच्छा, उसमें और हम लोग क्या लोग जो हमारा लोग होता था वो था कि परफॉर्म करेंगे और उसके बाद एक मिठाई का पैकेट मिलेगा। बच्चों को तो यही चाहिए है ना। तो वही हुआ कि हमारा बकासुर का बध एक नाटक है, तो वो वाला हम लोगों ने किया। और वहां से एक्चुअली आई स्टार्टेड यू नो एंजॉयिंग एक्टिंग, एंजॉयिंग ड्रामा। फिर ये तो मैं करती थी साइड में, सारे स्कूल्स में भी जितने भी प्रोग्राम्स हो गए थे। फिर मेरी बहन, वो मुझसे 7 साल छोटी है, तो वो पढ़ती थी बिरला महादेवी बिरला गर्ल्स हाई स्कूल में कलकत्ता में। उनकी एक इंग्लिश टीचर थी, और वो टीचर, उनका नाम मैं बताती हूँ, उनका नाम था मिसेस सचदेवा। और मिसेस सचदेवा जो थी वो अनोखे अनोखे मतलब अतरंगी होमवर्क देते थे अच्छा मेरी बहन को और उनकी क्लास को। तो एक दिन वो ऐसे आती थी घर पे, बोलती दीदी आज हमें ये गाना बनाना है। अच्छा, गाना बनाना है? नहीं, हमको ये एक अपना फेवरेट गाना चुनना है और फिर आतंकवाद के ऊपर लिरिक्स लिखनी है और फिर उन दोनों को मैच कर देना है। अरे वाह, मैं भी करूंगी ये होमवर्क तुम्हारे साथ। तो मैं फिर उसके साथ ये सब होमवर्क्स करती थी जो उसको दिया जाता था। और मैंने मैंने फिर पूछा कि तुमको ये टीचर पढ़ाती क्या है?
तो बोलती है वो इंग्लिश पढ़ाती है पर हम लोग हिंदी कर रहे हैं, हम लोग बांग्ला कर रहे हैं उनकी इसमें, और हम लोग ड्रामा लिखते थे और वो जाके ड्रामा प्रेजेंट करती थी, ये सब होता था। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा अच्छा है, और क्या और क्या। तो वो ना मुझे हमेशा वहां से मेरी एक्चुअली इंटरेस्ट जगा कि कैसे इंग्लिश को वो थ्रू ये सब एक्टिविटीज, ड्रामा, आर्ट्स यूज करके पढ़ा रही है। तो मैंने फिर अपनी बहन को हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया वैसे, तो मैं घर पे पढ़ाती थी और मैं पूरे ड्रामा के साथ मैं पढ़ा देती। तो हर चैप्टर पढ़ते थे फिर उसका एक नाटक के रूपांतरण करते थे, फिर हम वो भी सोचते थे कि ये जो कैरेक्टर है जैसे शाहजहां है या अकबर है वो क्या सोच रहा होगा तब। तो हम पूरा एक कहानी, पूरी कहानी बताते थे। सो दैट काइंड ऑफ वॉज देयर विद इन मी, मुझे तब लगा कि शायद मैं पढ़ा सकती हूँ शायद, क्योंकि फिर मेरी बहन आगे जाके उसने हिस्ट्री पढ़ा। आपने इतना इंटरेस्टिंग करा दिया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही है कि आपने अपनी क्लासरूम की टीचर्स का नहीं इतना देखा, जो कि अपनी बहन, जो छोटी सी बहन है, उसकी इंग्लिश टीचर क्या, वो आपको कितना इम्पैक्ट किया है और वहां से आपके मन में ये सारे विचार शुरू हुए हैं। कौन सा इंसान आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा और कब, आपको कोई कुछ नहीं पता है। बिल्कुल। और मेरे एक और नाना थे, मतलब कजिन नाना, वो टैगोर के भक्त थे। तो वो मुझे टैगोर एजुकेशन के ऊपर जो बोलते थे वो मुझे ऐसे ही मतलब वर्बेटिम सुनाते थे कि जो जो उनके एसेस थे, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा टैगोर की एजुकेशन। तो ये सब होता होता रहा जब जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी बहन की टीचर बोलिए या फिर मैं बहन को पढ़ा रही हूँ या हम लोग कुछ खेल रहे हैं, और ऑफिस ऑफिस हम लोग बहुत खेलते थे। ऑफिस ऑफिस मैं और मेरी बहन बहुत खेलते थे, हम लोग ये फोन लेंगे और कुछ भी लेंगे, जैसे ये रिमोट ले लिया, रिमोट लेके हेलो यस यस नो नो बहुत कुछ अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते थे, मुझे अभी भी याद है। तो उसमें ना हम लोगों का इंग्लिश भी बहुत डेवलप होता था, बिकॉज वी यूज टू ट्राई टू प्रिटेंड टू बी इन अ ऑफिस एंड ट्राइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि यार ये थिएटर और ड्रामा जो है ये कुछ और है, दिस इज नॉट जस्ट एक्टिंग, दिस इज नॉट जस्ट फॉर परफॉर्मेंस। तो उसके बाद तो मिठीबाई कॉलेज में, बॉम्बे में हम लोग रहे काफी साल, तो मिठीबाई कॉलेज में एक साल में रही, उसके बाद वापस हम लोग कैलकटा आ गए थे। तो मिठीबाई में जो ड्रामा टीम है उसमें मैं गई और वहां पर एक साल मैंने सिर्फ थिएटर किया, कुछ पढ़ाई नहीं की। मैंने जूलॉजी लिया था, कुछ पढ़ाई नहीं किया मैंने, और सब्जेक्ट भी जूलॉजी रहा है, यू नो दैट आई होप। और मैं भी ड्रामा बहुत कराई हूँ स्कूल में, इसलिए सब आई कैन रियली फील यू, यू नो। मिठीबाई में क्या हुआ, ये भी मैं सुनाती हूँ, मिठीबाई में क्या हुआ, मैंने मुझे मेडिकल का एंट्रेंस देना था, तो वो उसमें हुआ नहीं क्योंकि मैं इतनी पढ़ती नहीं थी, तो मेडिकल तो होगा ही नहीं मुझे पता। तो मैंने ऐसे बोला मम्मी डैडी को कि मैं माइक्रोबायोलॉजी करती हूँ, वो थोड़ा मेडिसिन से के आसपास है। तो अब मेरे मार्क्स इतने नहीं थे कि मैं माइक्रोबायोलॉजी करूँ, तो उन्होंने मुझे वेटिंग लिस्ट में रखा था और बोला कि तुम जूलॉजी कर लो, उसके बाद हम लोग तुमको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। और जूलॉजी इतना बोरिंग पढ़ा, जैसे पढ़ाते थे बड़े बोरिंग, वो गैलरी ट्रेड के वो होते थे क्लासरूम, सर आके क्या बोल के जाते थे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन थिएटर का ऑडिशन हो रहा है, ये करूंगी मैं गई और थिएटर का ऑडिशन, कुछ नहीं पता क्या क्या गाना है, क्या मतलब क्या बोलना है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। तो वहां पे सर थे थिएटर के सर, उन्होंने बोला चलो कुछ करो, मैंने कुछ कर दिया। ठीक है, मुझे कुछ कर दिया मैंने, मतलब देख रही थी लोगों को, तो मैं सिलेक्ट हो गई। अब सिलेक्ट हो गई तो अच्छा करती थी मैं, तो मुझे सब चीजों में डाल दिया गया, छोटा नाटक, बड़ा नाटक, हिंदी नाटक, अंग्रेजी नाटक, जितने भी कॉलेजेस के होते थे, और मुझे बड़ा मजा आता था। और हम लोग फिर स्टेज थिएटर, शॉर्ट स्किट, सब कुछ किया है हम लोग। तो आईआईटी में जाके परफॉर्म किया, फिर कभी इप्टा में जाके परफॉर्म किया, एस्को में परफॉर्म किया, इन सब जगह पे जाके परफॉर्म करते थे हम लोग। इस चक्कर में मेरा एक भी एग्जाम मैंने नहीं दिया, मेरे डैडी ने बोला इधर नहीं,
तुमको मैं ले जाऊंगा वापस कलकत्ता। तो डैडी ने ट्रांसफर ले लिया तो फिर हम लोग कलकत्ता वापस चले गए। मैंने बीकॉम में फिर अरे भाई बहुत बहुत अत्याचार हो गया। अरे अरे बहुत लेकिन मैं कन्विंस हो गई थी कि नहीं नहीं तो। मैंने बहुत बुरा किया, अपना बुरा एक साल मैंने कैसे वेस्ट किया। तो मैं अपने थिएटर सर को बोलने गई कि सर मैं माफी चाहूंगी, मैं जा रही हूँ कॉलेज छोड़ के और बॉम्बे छोड़ के भी। तो सर ने बोला क्यों, कि सर मुझे मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ अच्छी नौकरी वोकरी करनी है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सर ने मुझे एक बात कही जो मैं भूल नहीं सकती हूँ, और वो ये है कि वैशाली तुम थिएटर को छोड़ सकती हो, भले छोड़ो ना छोड़ो, पर थिएटर तुमको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, तुम ये मेरी बात नोट कर लो। तो मैंने बोला नहीं सर नहीं सर, और ये सब बातें हो रही है जब फाइनल एनुअल प्रोग्राम हो रहा है हो रहा है और मैं जा रही हूँ। तो मैं आ गई फिर कलकत्ता। फिर कलकत्ता आके बहुत बोर हुई मैं, 3 साल मैं और मेरी बहन हम लोग बहुत बोर हुए। आई थिंक वो जो बोरियत का टाइम था वो हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, उसमें हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ड्रामा को लेकर। फिर जैसे होता है आप बीकॉम इसलिए करते, मेडिसिन नहीं हुआ तो आप बीकॉम कर लेते, एटलीस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन जाए। वही तो वही पाथ है ना, वही रास्ते हैं, वही पर हम जानते हैं, उन्हीं पर हम चला देते अपने बच्चों को, है ना। जैसे कि आपके पेरेंट्स ने भी किया, भाई सिक्योरिटी देखनी है कि भाई भविष्य सिक्योर रहे, तो ये तुम ये रहो और इस पे चल पड़ो हम। हाँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, ऐसा ही होता है। हाँ। और उन्होंने काफी अपने टाइम में बहुत ही मतलब अभाव देखा है, बहुत किस्म के अभाव देखे हैं। तो उनको लगता है कि नहीं हमारे बच्चों के जीवन में ये अभाव था तो ना हो, पर हमारा तो सिर्फ तो फिर मैंने ये किया कि ठीक है चलो नाटक तो करना नहीं है, चलो कॉलेज में ही देखते हैं अगर कुछ हो सकता है तो। अच्छा। तो कॉलेज में कोई नाटक का दल ग्रुप नहीं था, देयर वाज नो नाटक। ओके, मॉर्निंग कॉलेज था, होता था 5 बजे। सोचिए कोई कॉलेज ऐसे कभी किसी ने देखे, कितने लोग सुन रहे हैं, 5 बजे से 10 बजे तक सुबह कॉलेज होता था। okay. उसके बाद छुट्टी, मॉर्निंग कॉलेज। तो अब छुट्टी होगी 10 बजे, मतलब दिन शुरू हो गया, क्या करोगे। हाँ, फिर सारा दिन। हाँ, तो मैंने वहां पर पहली बार वहां उस कॉलेज में नाटक हुआ, तो मैंने वहां पे नाटक ऑर्गेनाइज किया। लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी शुरू से थी और अलग हटके फिर किया ये काम वहां पर, निश बनाया वो वाला। हाँ, तो वहां पे एस्टेब्लिश किया, वहां पे पहले ना कोई ड्रामा कुछ नहीं होता था, तो एक ड्रामा सोसाइटी वहां पे क्रिएट किया, और वहां पे हम लोग नाटक खेलते थे, कुछ कुछ करते थे, एक सोसाइटी क्रिएट हो गया, कल्चरल सोसाइटी। और फिर 3rd ईयर में मैंने सोचा कि बहुत हो गया, अब मुझे कुछ क्रिएटिव करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बीकॉम भी नहीं हो रहा है मुझसे। तो लेकिन मैंने किसी तरह से मतलब पास कर लिया। अच्छा। ऑनर्स मिल गया मुझे। अच्छा। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जैसे बिजनेस स्टडीज मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता था और मैथ्स अच्छा था मेरा, तो मैंने काफी मेहनत करके कर लिया वो। लेकिन ऑन द साइड आई ज्वाइन द रेडियो स्टेशन। ओके। तो आई ज्वाइन द रेडियो स्टेशन एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। और मेरे जो फर्स्ट बॉस थे रेडियो स्टेशन में, पावर FM, उसका नाम था आमार एंड पावर FM, वो बंद हो गया है अभी सैडली, बट माय फर्स्ट बॉस श्रुतितो दास है उनका नाम, he was basically somebody who really hello Lohit haan ji so he kind of really helped me to get on haan. To get on with my life as somebody who's creative. तो वो मैंने शुरू किया काम करना और लिखना वहीं से शुरू किया। तो हम लोग बहुत कुछ लिखते थे, तो मैं कुछ क्या बोलते हैं कमर्शियल्स लिखती थी, फिर वॉइस ओवर देती थी, फिर वहां पे मैंने और किया, बहुत सारे वॉइस ओवर्स मैंने करना शुरू किया।
बड़ा अच्छा लगा सबको। फिर मुझे लिंटर्स में नौकरी मिल गई, लो लिंटर्स, वहां पे मैं जूनियर कॉपीराइटर थी कलकत्ता में। पर कलकत्ता का जो वर्क कल्चर है वो बहुत अलग है, वहां पर बहुत लेड बैक है। मतलब आई ऑलवेज हैव यू नो आई कैन सी कलकत्ता एज यू रिटायरमेंट होम, ठीक है वो सारे रहते हैं, आप अभी भी कलकत्ता में जाएंगे तो यू वोंट फाइंड यंग पीपल, यू विल फाइंड यंग पीपल बट दे आर वेरी कंप्लेसेंट, उनको जो है चल रहा है बहुत अच्छा है, मतलब कोई कुछ है नहीं, मतलब कुछ करना नहीं है ऐसा मुझे लगता है, मुझे पता नहीं है क्योंकि हो सकता है मैं केवल कुछ लोगों को के साथ जुड़ी थी, पर मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा एक चेंज था मेरे लिए जब मैंने दिल्ली में आने का फैसला किया। अच्छा, एंड दैट रियली चेंज्ड माय एंटायर लाइफ द वे आई एम टुडे, क्योंकि दिल्ली मैं 2007 में आई, एंड आते ही तो मैं आई और मैं मुझे एक कंपनी में नौकरी के लिए मुझे इंटरव्यू देने जा रहा है तो मैं गई और इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, बहुत मजेदार है हम लोग मैं अंदर जा रही हूँ कॉरिडोर से और वहीं पे मैं अपने हस्बैंड से भी मिली। अच्छा, गुड। पर जा रही हूँ और मुझे दिखा कि सॉफ्ट बोर्ड पे एक्टर फैक्टर थिएटर कंपनी लिखा हुआ है, स्केच किया हुआ है, तो मैंने थिएटर देखा तो वही थिएटर पॉप आउट हो गई। तो मैं गई और मेरे सर जो बॉस थे, होने वाले बॉस, तो उन्होंने बोला अच्छा तो तुमने थिएटर किया है, मैंने बोला हाँ मैंने थिएटर किया है, अच्छा चलो कुछ बताओ, कुछ डायलॉग बोलो। मैंने डायलॉग बोले, तो बोला अच्छा तुमने जिंगल्स भी बनाया, चलो गाना गाओ, मैंने गाना भी गाया। क्या बात है, ठीक है तो यहाँ पे कॉपीराइटर का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और मैं गाना गा रही हूँ, डायलॉग बोल रही हूँ। मुझे रहा नहीं गया, मैंने बोला कि अच्छा ये एक्टर फैक्टर क्या है जरा बताएंगे। अच्छा, तो वो बोलते हैं कि नहीं एक्टर फैक्टर एक्चुअली है हमारी थिएटर कंपनी। आपकी थिएटर कंपनी है? हाँ, हम लोग सब यहाँ पे कॉपीराइटर्स जो है, हम लोग का एक थिएटर कंपनी हमने बस बनाया ही है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगी? इसीलिए वो आपका इंटरव्यू ले रहे थे। मैंने बोला सर अगर आप मुझे ये नौकरी दे या ना दे पर मुझे ज्वाइन तो करना है, तो मुझे उन्होंने नौकरी भी दे दी और बहुत अच्छा अच्छी सैलरी दी। अच्छा, और आई स्टार्टेड वर्किंग विद एक्टर फैक्टर एंड सिंस देन आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद एक्टर फैक्टर and we have done almost 14 to 15 productions. बहुत अच्छा काम हम लोगों ने किया, original काम किया। Great. तो जो थिएटर छोड़ छोड़ के इधर पापा ने खींचा ये कि अब फिर वहां नौकरी करने गई तो फिर से वही का वही फिर मिल गया, यानी ये था ना आपके पास, ये आना ही था। ये आना ही था क्योंकि ये एक चीज थी जो मेरे लिए बहुत effortless थी। yes. और ये मैं हमेशा, ये मैं आज जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, हाँ, बिल्कुल हमारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं ये, है ना, तो ये बात बहुत जरूरी है जो अब आप बोलने जा रहे हो। तो ये मैं हमेशा पूछती हूँ अपने बच्चों से कि कौन सा ऐसा काम है जो एफर्टलेसली आप करते हैं, जो जिसको करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है और अपने आप अच्छा हो जाता है। मेरे लिए वो हमेशा बच्चों के साथ बैठना, उनके साथ बातें करना था। मुझे कभी भी वो एफर्ट नहीं लगा, मुझे कभी भी नहीं लगा अच्छा ये बच्चा रो क्यों रहा है। और ऐसा भी होता, हमेशा होता था कि जब भी मैं बाहर जाती थी और बच्चे होते थे वो मेरे पास ही खींचे आ जाते थे, तो ये कुछ था। और एक और एफर्टलेस चीज थी कि कोई भी चीज अगर मेरे सामने आती है तो मैं उसको आई डोंट पैनिक, मैं बहुत अच्छा ही इम्प्रोवाइज कर सकती हूँ। और ये थिएटर की ही देन है, अगर मैं थिएटर नहीं करती तो मैं शायद इम्प्रोवाइज अपने जीवन में नहीं कर पाती, क्योंकि देखो गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है ना, लेकिन उस समय उस स्थिति को संभालना ये थिएटर बहुत अच्छे से सिखाता है। डायलॉग भूल गए हो, अपना डायलॉग नया बना के उसको रास्ते में ले आओ, कोई भूल गया उसको कवर कर लो, ये इम्प्रोवाइजेशन जो है ये थिएटर बहुत अच्छे से सिखाता है, लाइफ स्किल है ये। जी जी, तो वही से लाइफ स्किल जो आपने बात कही, लाइफ स्किल में मुझे जब लगा कि अरे थिएटर अगर मुझे इतना बदल सकता है और मैं और अच्छे के लिए बदल सकता है, तो क्यों ना ये चीज बच्चों को जल्द ही दिया जाए। बिल्कुल सही बात, ताकि उनको ये सारी समझ पहले से ही हो और एक रेगुलरिटी से हो। क्योंकि थिएटर ग्रुप में क्या होता है, आप थिएटर करते हैं, है ना,
आप नाटक खेलते हैं, और अगर आप नाटक नहीं खेल रहे हैं तो आप विचार करते हैं। तो थिएटर ग्रुप, जो ओल्ड स्कूल थिएटर ग्रुप का जो एक रीजन था बनने का, वो यही था कि लोग आए, बातचीत करें, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हों, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हों जो प्रोडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हों, और उससे दिमाग खुले, यही काम था। और फिर हम नाटक भी खेलते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, और गाना भी खुद गाते हैं, बजाते भी हैं। तो काफी सारा टैलेंट था जो थिएटर करते वक्त वो बाहर निकल आया। तो यही इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा पढ़ा के देखते हैं। देन आई जॉइंड ट्रिनिटी कॉलेज लंदन। ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में एक एग्जामिनेशन बोर्ड था, तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ बोर्ड है, और कहीं ना कहीं मैं एनएसडी ज्वाइन नहीं करना चाहती थी क्योंकि एक तो 3 साल का कोर्स है, प्लस एनएसडी में जाके आप मतलब घुसते ही आप एक्टर बन जाते हो, तो उससे मुझे थोड़ी सी परेशानी थी क्योंकि मैंने बहुत सारे एनएसडी के एक्टर्स को देखा, वहां से पास आउट लोग देखे, कुछ लोग बहुत अच्छे थे और कुछ लोग में बहुत ईगो था, तो मुझे लगा कि इतने ईगो के साथ तो हम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जो थिएटर में हुई वो बहुत ही ओल्ड स्कूल थी। और फिर मैंने हेशराम कन्हैयालाल और सावित्री देवी जो कला क्षेत्र मणिपुर के वो है डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ काम करके मैंने सीखा, तो वो लोग तो और ओल्ड स्कूल है। उनके लिए काम ही जीवन है, तो थिएटर उनका जीवन है, तो मैंने वो सीखा उनसे, तो मुझे लगा कि ये करके मैं शायद कहीं ना कहीं शायद उस चीज को खो दूंगी अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन में चली गई। सही बात। तो फिर मैं नहीं गई, और एक चीज मैंने बांध दी कि मैं किसी स्कूल में भी नहीं पढ़ाऊंगी। क्या बात है। ये क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा हुआ क्योंकि स्कूल में ड्रामा टीचरों का जो दर्जा है उससे मुझे प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं हमारे भारत में जहां पर ड्रामा टीचर को एज एन इम्पोर्टेंट यू नो टीचर या इम्पोर्टेंट फैसिलिटेटर माना जाता है। ड्रामा टीचर ड्रामा कराती है, अगर कुछ नहीं करना है तो बस सब्स्टिट्यूशन के लिए डाल दो, न्यू ईयर आ रहा है कुछ एक प्रोग्राम कर दो, गांधी जयंती आ रही है कुछ एक प्रोग्राम कर दो, तो वो ना एक वेंडर की तरह बंधाई और इस तरह की कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं उसकी तैयारी करा दो, है ना, मतलब आप उसी ले, लेकिन कभी बैठ के बच्चों के साथ जो आप कह रहे हो ना बात करना, चर्चा करना, वो नहीं हो पाता है। और ड्रामा का जो मेन उद्देश्य है, ड्रामा आप जब उसके अंदर घुसते हैं तब आप बहुत कुछ सोचते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो शो करके नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है। वो शो के लिए तैयारी करके भी नहीं आता है। नहीं आता। ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस है। स्कूल में क्या होता है कि एक कंपटीशन आया, आपको बोल दिया गया ये तैयारी करानी है। अब कंपटीशन के लिए भी ना जैसे स्कूल्स भेज देते हैं, चलो 15 दिन के अंदर, अब वो बच्चों को क्लासरूम से निकालना, काम कराना, 15 दिन क्या, 15 दिन वर्किंग कितना मिला आपको, 1 घंटा मुश्किल से, आधा घंटा मुश्किल से, क्योंकि आपके फ्री पीरियड ही उतने होते हैं, फिर दूसरी क्लास, क्योंकि टाइम टेबल दे देते हैं ना, तो टाइम टेबल में आपको उसमें आधे घंटे से रोज कैसे होएगा, और 35 मिनट नहीं का क्लास और 35 बच्चे, आप कुछ नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। तो मुझे लगा कि ये मेरी बुद्धि की तोहीन होगी। बहुत सही। मुझे ये लगा कि अगर मैं सच में आई वॉन्ट टू बी यूजफुल टू द सोसाइटी, देन आई कैनॉट वर्क इन द स्कूल, बिकॉज देन इट विल बी डिसरिस्पेक्ट, आई विल बी डिसरिस्पेक्टिंग माई सेल्फ, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने फिर काम करना खुद ही शुरू किया, मैंने खुद पढ़ाया, मेरी पहली स्टूडेंट एक लड़की और एक लड़का, हाँ ये दोनों आए थे, तो एक लड़की पहले आई थी और उसकी मम्मी ने बोला मैंने कहीं से आपका नाम सुना है, आप प्लीज मेरी बच्ची को पढ़ा दे, क्योंकि देखिए मैं पढ़ाती नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। और उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, आप कुछ भी करा दीजिए, कुछ भी करा दूंगा, ये तो ओपन माइंडेड है ना वो। उनका नाम है साधना। साधना अगर उस दिन अपनी बेटी को शगुन को नहीं लेके आती तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं बैठा। तो साधना ने बोला कि आप कुछ भी कराइए, बस शी इज वेरी
she is very bright, but she does not like to talk to people. So मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया एंड स्लोली आई रियलाइज दैट गर्ल हैज बीन बुलीड बिकॉज ऑफ हर बॉडी टाइप हर शेप बॉडी शेम बहुत कुछ हुआ उसके साथ जब वो स्कूल में थी उसका एक भी फ्रेंड नहीं था स्कूल में सो आई वर्क विथ हर एंड हर लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड आई डोंट नो वेदर इट वाज माय डूइंग और व्हाट नहीं होता क्या है आप एक माध्यम बनते हैं है ना ये होना था आपके पास वो आई और आपके पास वो टेक्निक्स थी आपने बातचीत की बच्चे को उसमें से निकाला तो आप माध्यम बनी वो जरूर आपकी जो बातें हैं जरूर कहीं ना कहीं ऐसा मत बोलो कि मैंने क्या किया नहीं आप नहीं, मुझे लगा हाँ तो मुझे लगा कि अफर्मेशन चाहिए आपको ये कि मैंने किया है ना सी ऐसे ही तो होते हैं बदलाव कोई ना कोई व्यक्ति कहीं से आता है कुछ किसी के अंदर बदलाव लाने के लिए आप ही को माध्यम बनाया गया तो उसको पहले एक्सेप्ट करिए कि यस हाँ तो वो मेरे ख्याल से मैं क्योंकि लिटरेचर को लेकर काम करती हूँ क्योंकि ड्रामा में लिटरेचर का बहुत योगदान है तो आई यूज लिटरेचर एज अ मीडियम टू कन्वे थॉट्स एंड एक्शंस बेसिकली तो हमने माया एंजेलो की एक कविता है स्टिल आई राइज उसको लेकर काम किया था बहुत ही फेमस कविता है बहुत लड़के लड़के इसको करते हैं तो मुझे वही पता था तो मैंने उसके साथ शुरू किया और मुझे वो पोएम जब उसने परफॉर्म किया उसके बाद उसका जीवन सच में बदल गया आई वाज लाइक अरे ये अगर हो सकता है तो और भी बच्चों के साथ हो सकता है देन आई स्टार्टेड जॉय ऑफ ड्रामा वेरी गुड तो आज आप जॉय ऑफ ड्रामा कितने स्टेट्स में हैं और आप जाते हैं और वहाँ के अपने टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग आप कर रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए आप कि किस तरह से अब और बहुत लोग जुड़ रहे हैं आपसे इसके बारे में बताइए कि किस तरह आपका सपना एक साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है एक बच्चे की ट्रांसफॉर्मेशन से इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं तो आप अंदर से कितना सेटिस्फाई फील करते हो और बहुत सेटिस्फाइड मतलब मैं मेरे ख्याल से मैं इसीलिए काम करती हूँ क्योंकि मुझे वो मुझे रिजल्ट दिखता है और ज्यादातर पहले माँ बाप जो है वो इसलिए भेजते थे क्योंकि सर्टिफिकेट मिलेगा ये सब पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सर्टिफिकेट कोई कागज का टुकड़ा नहीं बता सकता है कि आप कितने अच्छे हैं कितने अच्छे नहीं है आप खुद अपने सर्टिफिकेट हैं तो मैं यही उल्टा पूछती हूँ कि क्या आपको पता है मेरे पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं मैं दिखाऊं मैं कैसे जूलॉजी में फेल की हूँ ये तो आज आपने सबके सामने बात रखी अपनी बात फैल गई फैलने दीजिए क्योंकि इन सब बातों का कोई मायने नहीं है बिल्कुल सही बात तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं जूलॉजी कर लेती तो मैं ज्यादा बुद्धिमान बन जाती ऐसा नहीं है तो इसलिए मैं हमेशा ये मानकर चलती रही कि आप जो हैं आप वही बच्चों को पढ़ा सकते हैं आप और कोई और चीज नहीं पढ़ा सकते हैं सो यू टीच व्हाट यू आर तो इसी को लेकर मैंने शुरू किया अपना काम और क्योंकि आप वही पढ़ा सकते हैं जितना आपको आता है इसलिए मैंने अपना ज्ञान भी बढ़ाना शुरू किया तो मैं खुद भी मतलब करती रही मैं रेगुलरली एवरी ईयर आई डू सम काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट यू नो कोई बट स्कूल कर लेती अपनी स्किल डेवलपमेंट करते अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं काम करती हूँ कोई कोर्स कर लेते हो कुछ है इस तरह से आप अपने आप को और इक्विप कर रहे हो क्योंकि जितना आप सीखते हो उतना और ज्यादा अच्छा सिखा सकते हो हाँ और पहले ना ये होता था कि मेरे कुछ टीचर्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं जूनियर मतलब मेरी स्टूडेंट्स थी फिर मेरे साथ पढ़ाती अच्छा तो वो पूछती हैं कि अरे वैशाली ये भी करा ये भी बोल दोगे आप टीचर्स ट्रेनिंग में आप वो भी सब बोल दे रहे हो मैंने बोला भाई अगर तुम अपना घड़ा खाली नहीं करोगे तो भरोगे कैसे बिल्कुल सही बात है जितना शेयर करते हैं ना उतना हाँ। ज्यादा बढ़ता है अपने आप को हाँ क्योंकि आप दोगे हाँ जितना आप दोगे और आपने एक सपोज आपने कुछ यू नो इजाद किया क्यों नया टेक्निक आपने निकाला आप अगर वो टेक्निक नहीं दे दोगे लोगों को तो फिर आप यही सोचते रह जाओगे ना कि अच्छा ये मेरी टेक्निक थी ये बहुत अच्छी टेक्निक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो एक्सपेरिमेंटेशन कैसे होगा उस पर है ना जो वहां से तो रिजल्ट आता है और वहां से आप इम्प्रोवाइज करते हो उस चीज को तो ये तो लेन देन चलता रहेगा और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर नॉलेज हमारी अपनी है तो हमने ये जो शब्द ग्रहण किए आज अगर मैं कोई स्टोरी लिखती हूँ तो वो मेरी कहाँ तक हुई वो
क्योंकि हमेशा आप देखेंगे सब कहते हैं ज्यादा पढ़ो तो ज्यादा लिखोगे, मतलब क्या है, आप तो 100 स्टोरीज पढ़कर एक निकाल रहे हो, तो ये मेरी अपनी हुई कहाँ। नहीं, हमारी तो कुछ भी नहीं है। हाँ यही पॉइंट है हम लोग का कि हमारा कुछ भी नहीं है, हम सोचते हैं हमारा है। हाँ, हमारा कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई भी चीज ओरिजिनल तो होती नहीं है, नहीं तो होती। कहीं ना कहीं से आप बेग बोरो और स्टील करते हैं। तो मैं इसमें बहुत विश्वास करती हूँ, यू बेग यू बोरो एंड यू शुड स्टील। यस सो मैं एंड वो मेक अ करती न्यू कॉकटेल। हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज अ कॉकटेल। तो जॉय ऑफ ड्रामा इसी सोच से शुरू हुई, और मैं अपने सारे पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं, उनकी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। बिल्कुल और वो विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है, फेथ इज सो इम्पोर्टेंट इन दिस मैटर, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और कुछ बच्चों के लिए बहुत स्लो है। लेकिन मैं, मेरा ये है कि अगर मैं पढ़ाती हूँ किसी बच्चे को, या फिर किसी के साथ जुड़ जाती हूँ, तो मैं जुड़ ही जाती हूँ, मैं उसके जीवन में इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो ये एक चीज है जो मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप सच में टीचर हैं, आप कुछ सिखाना चाहती हैं या फिर आप कुछ देना चाहती हैं, तो आपको पूर्ण तरीके से देना होगा। ये थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ा लिया, देख लिया टाइम, चलो चलो घर जाओ, ये नहीं हो सकता है। मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट है अगर आप सच में कुछ रिजल्ट चाहते हैं। तो जॉय ऑफ ड्रामा पहले तो हम लोगों ने शुरू किया, एक छोटा सा बैच था 6 बच्चों का, बसंत कुछ में हमने शुरू किया। मेरे एक मित्र है जिनका एक म्यूजिक स्कूल है ब्लू नोट्स बोलकर, वहां पर उन्होंने अपना ड्रम रूम खाली कर दिया और बोला कि आप यहाँ पे कराओ। तो गुड वहां से शुरू हुई, और फिर होते होते हमारे कुछ 17 सेंटर्स बन गए ऑल ओवर इंडिया। मैंने ग्रेट। केरला में बहुत काम किया, केरला में मेरे लिए बहुत प्रिय है वो जगह, मतलब वहाँ का खाना, वहाँ का रहन सहन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ के लोग भी बहुत ही ओपन माइंड ओपन माइंडेड है, वो दे आर प्रोग्रेसिव। एक्सेप्टेंस, यू नो व्हाट दिस हाँ नीड्स, एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पेरेंट्स। तो जहां पर देखो लिटरेसी रेट वहां पर सबसे हाईएस्ट है ना हमारे देश, तो ओपन अप है मुझे ऐसा लगता है, तो वो एक्सेप्ट किए हैं उस चीज को कि आप जो करा रही हैं। तो हाँ ये भी एक बहुत जरूरी बात है कि आपने खोला सेंटर, बच्चे भेजने के लिए लोग तैयार हों। जरूर ये जरूरी है कि आपके अंदर पूरा टैलेंट है, तभी विश्वास भी कर रहे हैं वो, नो डाउट अबाउट। लेकिन पेरेंट्स का भी ये रोल है कि भाई एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, ना ही एक शो के लिए एक काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें पहले समझनी है पेरेंट्स को, क्योंकि ये एक बच्चे के ना लाइफ की एक प्रक्रिया से वो निकल रहा है ना, जैसे कैटरपिलर जैसे खाते 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 कब तितली बनेगा, अब इसका पता नहीं होता वो कब बनेगा, बस छेड़ो मत उसको, जैसे प्यूपा स्टेज है हम ऐसा हाँ समझते हैं। धीरे धीरे उसमें अंदर अंदर वो स्पायरलिंग हो रही है और फिर निकलेगा किस। तो यहाँ पर आपके पेरेंट्स जो आपको गोवा में मिले और मतलब केरला में जो मिले, वो आपको लगा कि वो काफी मैंने उन्होंने सपोर्ट किया आपको, मतलब मेरे, एक्सेप्ट किया उस चीज को, हाँ, प्रोग्राम को। वहां पे एक्सेप्टेंस ज्यादा थी, क्योंकि वहां पे मेरे ख्याल से मतलब लोगों को जरूरत भी थी, क्योंकि हम लोग ड्रामा एज अ प्रोसेस पढ़ाते थे। अच्छा, ठीक है तो दो तरीके के ड्रामा है, एक प्रोडक्ट बेस्ड और एक प्रोसेस बेस्ड। और अभी मैं जिस पे काम कर रही हूँ वो प्रोसेस इनटू प्रोडक्ट पे मेरा जो हाँ एक्सपेरिमेंट है वो वही है कि आप प्रोसेस से शुरू करते हैं फिर आप प्रोडक्ट में जाते हैं, जो कि हर किसी थिएटर ग्रुप का करते यही हैं वो लोग। होता है। हाँ क्योंकि लास्ट तो में एक प्रेजेंटेशन होती है जिसमें कि सब बच्चे बोलते हैं मेरा एक रोल आया यहाँ पर हाँ हाँ, वो रेडीमेड नहीं था। नहीं वो रेडीमेड नहीं था, वो हाँ उन्होंने ही बनाया। यस और हम लोग जॉय ऑफ ड्रामा में कभी भी कॉस्ट्यूम ड्रामा नहीं करते हैं, बहुत मेकअप, बहुत विग शिग लगा के हम लोग नहीं करते ठीक हैं, है एकदम प्लेन सिंपल होता है। और वो इसीलिए होता है ताकि बच्चों को एक एहसास हो कि स्टेज पे परफॉर्म करना क्या होता है, ऑडियंस, जब नई ऑडियंस जिनको आप जानते नहीं, उनके सामने कुछ बोलना कैसा होता है। सो दैट इज एन एक्सपीरियंस फॉर देम, सो इट्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और हमारा प्रोसेस बेस्ड लर्निंग होता है, तो हम लोग लाइफ स्किल्स पे जब काम करना हम लोग शुरू करते हैं तो एकदम छोटे बच्चों के साथ शुरू करते हैं, पहले 5 साल के, 5.5 साल के, तो अच्छा इतना हाँ छोटा बच्चा इतना अच्छा छोटा। तो हमारे बहुत सारे एज ग्रुप्स हैं, तो हाँ हम लोग 2-2 साल के एज ग्रुप्स रखे हैं, जैसे 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, फिर 12 से 14, फिर 14 से 16, 17 ऐसे। और हम बच्चों को एक्टिंग 14 साल तक नहीं सिखाते, अच्छा तो क्योंकि हम बच्चों को एक्टर नहीं बनाते हैं,
हम बच्चों को स्वावलंबी बना रहे हैं अपनी सोच की बहुत सोच सुंदर, कि वो जो सोचे वो क्रिटिकली सोच पाए, उनकी अपनी सोच हो। और ये जो बात बात में लोग ओपिनियन देने लगते हैं, बच्चे भी ओपिनियन, जो वर्ड ओपिनियन है, तो वो ना देके दोनों चीजों को पहले समझ। मंथन मंथन करें। तो हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की है कि जो आपकी सोच है वो किस पे बेसिस है, ठीक है। और हम हमेशा चैलेंज करते हैं, तो क्योंकि मेरी ट्रेनिंग भी ओल्ड स्कूल है, तो हमको क्वेश्चन इंक्वायरी जो है ना, इंक्वायरी बेस्ड हमारी ट्रेनिंग रही है थिएटर में भी। जैसे मैंने सपोज बोला, सर मैं इसको ऐसे देखना चाहती हूँ, तो वो पूछेंगे क्यों अच्छा क्यों करोगी ये। अच्छा तो फिर मैंने अगर सपोज कुछ किया तो उन्होंने बोला अच्छा ये वर्क किया, तो मैंने पूछा क्यों। तो ये अच्छा जो क्यों है वो ये, आत्ममंथन में और जाता है वो। हाँ, वो आत्ममंथन में जाता है। और फिर जब बच्चा अपना एक रिजल्ट देखता है, रिजल्ट प्रेजेंटेशन बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम यह है कि स्कूलों में प्रेजेंटेशन हम पेरेंट्स के लिए करते हैं ताकि यस वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, जबकि एंटरटेनमेंट से बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही पेरेंट्स को कोई फर्क पड़ता है। पेरेंट आता है अपना मोबाइल लेके और ऐसे सिर्फ अपने बच्चे का फोटो लेता है, या फिर सामने खड़े हो क्या जूम बाकी करके, हाँ जूम करके सिर्फ अपने बच्चे। अपने तो बच्चे। मैं ये एक्सप्लिसिटली इसलिए बात बोलती हूँ क्योंकि एक तो ये सच है, तो हर पेरेंट ये करता है। अगर मैं भी जाऊंगी और मेरा बच्चा परफॉर्म कर रहा होगा तो मैं भी ये करूंगी। ये बहुत ही ह्यूमन है। पर फिर मैंने सोचा कि ये पेरेंट्स करते क्यों हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि उनका बच्चा बोल रहा है। फिर पेरेंट्स फाइट भी करते हैं, मेरे बच्चे को कम रोल मिला, वो मिला, ये मिला, ये भी होता है, क्योंकि पेरेंट ये चाहता है कि मेरे बच्चे को एक स्पेस मिले। सही तो बात पेरेंट एक्चुअली स्पेस ढूंढ रहा है अपने बच्चे के लिए, और हमारा काम ये है कि बच्चे को स्पेस देना, एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना जो बच्चा खुद अपने लिए बनाए, ना कि वो वेट करे कि कोई टीचर मुझे रोल देगा। क्यों भाई, हम क्यों वेट करें? क्योंकि जीवन में तो ऐसा नहीं होता है, कोई आके आपकी मदद नहीं करता है। और आप में आप और मुझसे ज्यादा कौन ये जान सकता है उषा जी। हाँ, इस जर्नी की बात है एंटरप्रेन्योर, है ना, जो हम बात करने आ रहे हैं कि हाँ ये इतना चैलेंजिंग था आपके लिए, है ना। आपने वो वाला रास्ता तो चुना नहीं, कांटों भरा रास्ता तो चुन लिया अपने दिल को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन हाँ एंटरप्रेन्योर जो, जैसे कि हमारा एक कार्यक्रम है ना गुफ्तगू, इसमें हम एंटरप्रेन्योर्स को ही हम यहाँ पर बुला रहे हैं। क्यों आपने ये कठिन रास्ता चुना, क्यों आप ऐसा, क्या था, क्यों क्यों क्या जरूरत पड़ गई क्योंकि ये अंदर की कॉलिंग थी, है ना। तो बताइए उसके बारे में कि आपने ये कठिन, इतना कठिन क्यों भाई, सीधा साधा रास्ता रहती नहीं, ये है मेरे ख्याल से ये थिएटर की वजह से ही है, क्योंकि थिएटर ना, आप जब थिएटर करते हैं, और सच में थिएटर करते हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करते नहीं हैं, वो के आप खुद के लिए करते हैं। और एक्टर फैक्टर हमेशा ऐसा एक थिएटर ग्रुप रहा है जो जो कभी भी अपना भी गुणगान नहीं करता और किसी और का भी नहीं करता अगर अच्छा नहीं है। क्योंकि लिए। ओके ज्यादातर थिएटर ग्रुप से भी ये बहुत चलता है कि अच्छा, आपका बहुत अच्छा नाटक था, जबकि नाटक देख के पता चल रहा है कि बहुत बेकार है। हम बोल देते थे क्योंकि हमें तो सच बोलने को सिखाया गया है, तो हम सच बोलते थे। तो हमारे कोई उतने साथी संगी भी नहीं बने क्योंकि हम सच बोल देते थे। तो मेरे ख्याल से इस वजह से ये एक आ गया कि हम बेवकूफ नहीं बना सकते पेरेंट्स को, किसी को भी नहीं। और अगर हम शो करते हैं तो हम सबसे ज्यादा बेवकूफ बच्चों को बना रहे हैं, और वो उनको पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो गया। जैसे स्कूलों में जब प्रोग्राम्स होते हैं ड्रामा के, तो पहले टीचर बोलती है कि कौन कौन करना चाहता है, जो बच्चे थोड़े से शाही है वो तो पीछे हो गए और अपने आप और अच्छे वो वाले करना आ गए। चाहता है, लेकिन वो नहीं बोलेगा। तो आपने तो कुछ नहीं किया ना उस बच्चे के लिए, उसको आपने पेड़ बना के खड़ा कर दिया, उससे क्या हुआ? कुछ सही नहीं। बात, तो क्योंकि मैं सच मतलब झूठ नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ झूठ। और मैंने पेरेंट्स को भी बोला कि अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि हम आपके बच्चे को ऐसे एक्टर बना देंगे और वो इतना शो करेगा, तो वो अपनी बात कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकते, असंभव है छोटे बच्चों को एक्टिंग सिखाना। सही बात। वो आइदर खुद से ही एक्सप्रेसिव होते हैं, या फिर आप
आप उनको डरा धमका कर फोर्स करके कुछ नहीं करवा सकते। तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं पेरेंट्स को ये समझाऊं और बाकी लोगों को भी ये समझाऊं कि आप वही करें जो मन को ठीक लगे। और मुझे ऐसा हमेशा से लगता था कि प्रोसेस काम ही ठीक है। और देखते देखते एक बात है उषा जी की, जब भी आपको लगता है कि ये सही है तो कुछ कुछ लोग आ जाते हैं आपके पास जो इनको लगता है कि ये सही है। सही बात। और एक चीज, चाहे भीड़ नहीं मिले आपको लेकिन तीन चार ही बहुत है आपको आगे लाने के लिए, मुझे ये लगता है। भीड़ जरूरी नहीं है कि हाँ हाँ वाह वाही हो रही है लेकिन आप अंदर संतुष्ट नहीं है, इससे अच्छा आप अकेले चल रहे हैं, तीन चार वो आ ही जाएंगे जो जेन्युइन होंगे और वो ही आपको साथ मिल जाएंगे। वो वाह वाही पाने के लिए आपको दूसरों को वाह वाही करना पड़ेगा जिनकी काम आपको पसंद नहीं है, तो वो तो नहीं हो सकता। अगर वही करना था तो मैं शायद ये बन जाती। सही बात है, वही वही तो दिक्कत है ना कि वो आपका जो इंजीनियरिंग अंदर से किया है ना भगवान ने नहीं, थिएटर ने किया है। मुझे लगता है ये थिएटर की ही देन है। थिएटर ने एक चीज और मुझे सिखाई, वो है नॉट गिविंग अप। एकदम मतलब आप नहीं, कुछ भी हो जाए आप नहीं छोड़ेंगे। हमारे थिएटर ग्रुप में ऐसा समय आया था जब कोई नहीं था, तीन चार लोग थे, हम लोगों ने नहीं हम करेंगे इसको। अच्छा, हमने किया, हमने वो देखे मेरे दो बिल्लियां, मैं देख रही हूँ पीछे बहुत युद्ध हो रहा है। बहुत सारा थिएटर तो मैं इनको देख कर सही बात है, सही बात है। ये जो प्ले है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि ये प्ले कर करके ही वो समझ मतलब अपना वो देखते हैं कि किसको कैसे करना है, कैसे क्या करना है। तो ये सीख रहे हैं ना, ये सीख है उनकी उसी प्ले से। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो आप बात कर रहे हैं वो यही है कि नॉट गिविंग अप। हो सकता है कि लोग आपको नहीं जानते हैं, हो सकता है कि आप एकदम नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका महत्व सिर्फ आपको पता है और कुछ लोगों को पता है, पर आप हार ना माने, आप करते रहे। तो हमने 6 बच्चों के साथ शुरू किया और देखते देखते काफी सारे बच्चे आ गए, पर हमने एक चीज ठान ली कि हम इतने बच्चों से ज्यादा हम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात, फिर क्वालिटी गिर जाती है ना, नहीं हो पाता मैनेज, ड्रामा इतनी जब मैनेज नहीं होता ज्यादा बच्चों के साथ। हाँ, नहीं होता है। और स्पेशली ड्रामा, क्योंकि ड्रामा थिएटर से अलग है। ड्रामा आप स्वयं के लिए करते हैं और थिएटर आप एक ऑडियंस के लिए करते हैं, तो जो मकसद है या फिर जो हम मोटिवेशन बोलते हैं ड्रामा की भाषा में, मोटिवेशन चेंज हो जाता है। तो आप जब ड्रामा करते हैं आपका मोटिवेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है, और जब आप थिएटर करते हैं आप मोटिवेशन आइदर एजुकेटिंग रहता है या फिर एंटरटेनिंग रहता है। तो क्योंकि हम ड्रामा कर रहे थे इसलिए हमारे लिए जरूरी था कि हम 6-7 बच्चों से ज्यादा न ले एक बैच में। और क्योंकि मुझे, मैंने जैसे पहले बताया था कि ड्रामा टीचर्स की जो वो है, क्या बोलते हैं, द स्टेट ऑफ ड्रामा टीचर इन अ रेगुलर इंडियन स्कूल एंड हाउ दे आर लुक्ड एट, तो आई वाज लाइक आई विल मेक श्योर दैट ऑल द टीचर्स हु वर्क फॉर जॉय ऑफ ड्रामा आर द बेस्ट पेड टीचर्स, वेरी गुड इन दिस फील्ड, वेरी गुड। एंड उसके लिए चाहे मुझे और मेहनत करनी पड़े, मुझे और खुद से काम करना पड़े, पर आई विल मेक श्योर कि ये हो, और आई मेड श्योर कि। सो यू आर मेंटेनिंग क्वालिटी ना वैशाली, सो यू विल गेट इट, है ना। धीरे धीरे आप बहुत अच्छा आपने कर लिया है और ईश्वर चाहेगा तो और भी आगे और बढ़ेगा आपका, ताकि हमारे पेरेंट्स का को ये समझना ज़रूरी है कि ड्रामा किस तरह से उनकी पर्सनालिटी को चेंज करता है, इंटेलिजेंस भी बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं क्या ड्रामा क्या क्या कर सकता है, क्या क्या हो सकता है ड्रामा से, कुछ भी कर सकते हैं आप ड्रामा से। क्योंकि ड्रामा में आप जब जाते हैं तब आप एक रियल लाइफ प्रॉब्लम एक इमेजिनरी सिचुएशन में सॉल्व करते हैं, और ड्रामा में सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है ड्रामा में। तो क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो आपकी बढ़ जाती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इमेजिनेशन में, तो कुछ भी हो सकता है। आज जो 2020 में जो कोरोना वायरस हुआ और जिस वजह से बहुत लोगों की नौकरियां गई, बहुत सारे बिजनेसेस ठप हो गए, मेरे ख्याल से ये इस वजह से भी हुआ क्योंकि स्किल नहीं था और लोगों ने हार बहुत जल्दी मान ली।
मतलब मुझे बहुत सहानुभूति है ऐसे लोगों से जिन्होंने बहुत कुछ खोया, और बहुत सारे प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं था हाँ बहुत हाँ लोगों के लिए, पर जिनके लिए पॉसिबल भी था, मैं क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ यस यस बिजनेस को यस जिनके लिए पॉसिबल था चेंज करना, पर उन्होंने गिवअप कर दिया. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है आपको मैथ्स स्किल्स आते हैं, आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आते हैं, पर क्या आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है? क्या आपको क्रिएटिव थिंकिंग आती है? क्या आपको एनालाइज करना आता है सिचुएशन? क्या आपको ये समझ में आता है कि आपके पास जितना, मतलब व्हाटएवर यू हैव रिसोर्सेज है, उसका ऑप्टिमम यूज कैसे किया जाए? ये सारी चीजें थिएटर सिखाता है, ड्रामा सिखाता है, क्योंकि ड्रामा सिखाता है. हाँ क्योंकि आपके सामने वो चुन्नी रख दी जाती है, एक बॉल रख दिया जाता है, एक छड़ी रख दी, एक पेन रख दिया, चलो इससे कुछ कुछ करके बनाओ। हाँ, सिंपल सा एक एक्सरसाइज है जो मैं सारे बच्चों के साथ करती हाँ हूँ, जी हाँ बड़े छोटे कितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो है कोई भी एक चीज को लीजिए, जैसे ये क्लिप है, और ये क्लिप और क्या क्या बन सकता है, जैसे ये डांस बन सकता है ना, क्रोकोडाइल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ये एक तितली भी बन सकती है, देखिए तो, हाँ बिल्कुल, या फिर ये कुछ ट्रॉफी भी बन सकता है, तो ये या कुंडल बन सकता है कान के, सही बात है, तो कुछ भी हो सकता है. तो ये ऐसे जो छोटे छोटे चीजें हैं, ये ड्रामा में फर्स्ट हम लोग ये सिखाते हैं कि क्रिएटिवली कैसे थिंक करना होता है, कैसे एक इमेज को देख के आप स्टोरी बनाते हैं, आप स्टोरी कितना बना सकते हैं, कितना आप इमेजिन कर सकते हैं, और वहां पे जाकर इमेजिनेशन में आप कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. और ड्रामा, एक्चुअली में ड्रामा करने के लिए आपको किस कुछ चीज की कुछ नहीं जरूरत, चाहिए। हाँ कुछ नहीं चाहिए, बस एक दुपट्टा लिया, उसको ऐसे ओढ़ लिया तो बन गया हम कुछ और, है ना, ऐसे दिखाओ लिया ऐसे ऐसे बन गया हम कुछ, और और मैं बच्चों के साथ कैसी और कुछ, रे हाँ, और फिर ये दिखा लिया तो कुछ और बन गए. तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना कि, एक मिनट लगा लेती हूँ, और बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि हम ड्रामा के थ्रू बच्चों का अवेयरनेस जो है अपने आसपास, ऑब्जर्वेशन जो है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है, कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग, वो आप कैसे कर रहे हैं? आपने एक स्क्रिप्ट दे दिया, बच्चे ने स्क्रिप्ट रख लिया, उससे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेमोरी हुई, बिल्कुल, उससे ना आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पे काम हुआ, ना आपके विजुअल इंटेलिजेंस पे काम हुआ, ना आपके काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक पे शायद काम हुआ, लेकिन उसमें पर भी वो नहीं होता, लिमिटेड हुआ ना, लिमिटेड लिमिटेड हुआ। हुआ. हाँ, क्योंकि टीचर ने बताया कि तुम अभी वहां से यहाँ चल के आओ, पर टीचर ने ये नहीं बताया कि तुमको क्यों आना है वहां से. हाँ तो क्यों का जवाब भाई, बच्चे के अंदर क्लैरिटी होगी तभी, भाई तुम्हें चलना कैसे, तो क्यों चलना ऐसे, है ना, ये क्यों जो है जब आता है तब बच्चा बेटर करता है उसको। हाँ, और ड्रामा ड्रामा सबको करना चाहिए, क्योंकि हाँ ड्रामा के लिए मतलब ड्रामा शुड बी अ सब्जेक्ट, नॉट एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट. आपको ये सिखाना नहीं है कि थिएटर के फादर कौन है और मदर कौन है, ग्रैंडफादर कौन है, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको ये बताना है कि इतने थियोरिस्ट्स हैं पता क्या है, आप. बच्चा अगर ना उसमें, मैंने खुद देखा है, बच्चा जब उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है ना, वो अपने आप खोजता है, हाँ, वो जो जर्नी है ना, वो बैकवर्ड, वो जो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जो जर्नी है, वहां पर ज्यादा पढ़ाई हो रही है, हम जब दबाव से पढ़ा रहे हैं उसका फायदा नहीं है। तो ऐसी चीजों, और उसका एक नाम अगर है, कभी बोल दिया, तो वो अगर खोजी लड़का है, वो जरूर बच्चा वो जाएगा और उसको खोजेगा। भाई हमारा वो उद्देश्य है कि ड्रामा को एक और मैथ्स ना बनाया जाए, जहाँ पे आप ये थ्योरम का डेफिनेशन और वो थ्योरम का डेफिनेशन, हालांकि मैथ्स से मुझे बहुत लगाव है, आई लव मैथ्स, और मेरा एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम लोग मैथ्स थ्रू ड्रामा के ऊपर काम करते हैं, और ड्रामा के थ्रू आप हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, और फिर ईवीएस, ये सारे तो पढ़ा ही सकते हैं, आप डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, ये सब भी आप ड्रामा के थ्रू एज अ मीडियम पढ़ा सकते हैं. तो वेरी गुड, हमारा शोध जो है, और मैं जॉय ड्रामा भी अपने आप को ना डेवलप होता चला गया, तो हम लोग अभी ड्रामा इन एजुकेशन का जो एक पूरा पेडागॉजी है उसके ऊपर ही काम करते हैं, पहले से हम लोग उसी पे काम करते थे, लेकिन हमारा पर देखो एक, धीरे धीरे रिफाइनमेंट होता जाता है, जैसे आप देख रहे हैं चैलेंजेस और आए, और बच्चे जब करते हैं तो वहां से ही आइडियाज आ रहे हैं, है ना, ओके ये वाला पार्ट और डाल दिया जाए तो और बेटर हो जाएगा।
हाँ, तो ये काफी लैब की तरह है जहाँ पे हम लोग टीचर्स को खुली छूट रहती है कि आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है आप करें, बट देयर इज अ स्ट्रक्चर दैट वी फॉलो, जहाँ पर वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन सर्टेन लाइफ स्किल्स जो हमको लगता है आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. और कुछ लाइफ स्किल्स हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि स्किल तभी बनती है जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं उसको लगातार. तो हम कोशिश करते हैं कि जो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीशन मेकिंग और आपका कॉम्प्रिहेंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जो है वो हम अगर ठीक कर लें बच्चों की, तो आगे जाके 2020 जैसा अगर हालत बाद में आए तो बच्चा कुछ अपना कैलकुलेशन करके, जोड़ ताल करके एक कुछ बना ले. ये करना बहुत आवश्यक है, यही लाइफ में आगे बढ़ा के लेके जाएगा. कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला रटने से या साइंस के लॉज पढ़ने से आपको इस टाइप का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आया है लाइफ में, सबके लाइफ में आया है, वो नहीं होता. जॉयोग्रामा में ही हम लोगों ने, मुझे याद है फेब्रवरी 18 को हम लोग केरला में थे, हमारा एक कुछ फंक्शन चल रहा था वहां पर, वो हमने खत्म किया. ईयरली हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, वो हो रहा था ओपन आउट, तो वो हुआ और हमको पता चला कि 3 केसेस हैं. ओके. और हमें ये पता चला कि उसका क्या वो है, मतलब क्या इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है इस चीज की. यू विल नॉट बिलीव उषा जी, हम लोग वापस आए 25 फरवरी को, मैंने एक वीडियो फिल्म किया कि हम लोग ऑनलाइन जा रहे हैं. 1 मार्च से हम लोग ऑनलाइन चले गए, जबकि लॉकडाउन घोषणा हुई है 22 से. बिल्कुल सही बात. तो हम लोगों को पता नहीं, ऐसा लगा, फील आ गई कि भाई बाहर देखो, बाहर बहुत बुरा हाल हो रहा था, है ना. तो समझ आ गई थी कि आज नहीं तो कल तो इंडिया तो कोई छूटा नहीं रहेगा, है ना. तो और इंडिया जैसा लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से फटाफट उसको अपने आपको ट्रांजिशन में ले आए फटाफट. बहुत अच्छी बात है ये. तो ये भी आपको थिएटर ने सिखाया, ड्रामा ने सिखाया, क्योंकि ऑब्जर्वेशन, कनेक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये हमने करके, हमने वी वर द फर्स्ट वंस इन आवर फ्रेटर्निटी टू गो ऑनलाइन. ओके ओके, वेरी गुड. कोई भी ऑनलाइन नहीं गए थे तब तक, जब तक हम, जब हम लोग ऑनलाइन. और हम लोगों ने भी यही सोचा था कि 2 महीना, 1 महीना, बस मतलब थोड़े दिनों की, 15 दिन की बात है. कभी सोचा नहीं था कि ये आज तक चल रहा है, मतलब इतनी समस्या है. तो स्पेकुलेशन आपको पहले हो गया इन सब चीजों. हाँ, और मुझे एक डर भी था कि अगर हम अभी नहीं गए ऑनलाइन तो बाद में अगर ये बढ़ गया तो पेरेंट्स एकदम से तितर बितर, मतलब सोच नहीं पाएंगे कि क्या करना है बच्चों के साथ. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे हालत में बच्चे जो है क्रिएटिवली एंगेज. सही बात है, सही बात. ताकि वो घर में इतना एनर्जी जाएगा कहाँ, तो कुछ क्रिएटिव वो करे. तो इस वजह से पेरेंट्स भी आए और हमारा कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. वी डेवलप्ड, यू विल नॉट बिलीव, वी वर्क टायरलेसली every day, every morning we used to think of a new idea. कि ये entrepreneurship का भी एक skill है. कि आप रोज एक नया कुछ सोचे जो जो help करेगा. जो, और हमने 5 नए programs launch किए. क्या बात. और इस वक्त लोग सोच रहे थे सब बंद होते चल जा रहे हैं कपाट, पर यहाँ पर सब खुलता चला गया. 5 लॉन्च करना अपने आप में. मैंने भी जॉब इसी समय छोड़ी. बताइए. तो ये जो है ना कि ड्रामा ऑनलाइन, मैं खुद समझ सोचती थी कि ड्रामा ऑनलाइन कैसे करेंगे. मैंने भी कराया ऐसे, मैं सोची ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने ट्राई किया और अच्छे से चला, बहुत मजा आया. तो मैंने कहा नहीं, अब ये चीजें, हाँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस करना पड़ता है क्योंकि वहां पर आप, हाँ, इसमें क्योंकि ज्यादा. ये हमारा अच्छा था कि हमारे बच्चे हमेशा से रिड्यूस नंबर के थे. हाँ, इसलिए तो हमारे पहले, हाँ, 8 होते थे, हमने बोला सॉरी हम लोगों को और कम करना पड़ेगा. हाँ, 6 और एकदम, हाँ, एकदम जो छोटे बच्चे हैं और एकदम जो बड़े बच्चे हैं, जैसे 14 के ऊपर के जो बच्चे हैं और 7 के नीचे के जो बच्चे हैं, वो सिर्फ 4 बैच. सही बात है, क्योंकि मुश्किल है, सबसे मुश्किल ये दोनों. तो बड़ों वालों में डिस्कशंस बहुत होती हैं, तो वो छूटती नहीं है जान उसमें कि नहीं ये आर्गुमेंट्स है, और छोटे वाले संभलते नहीं है, और ज्यादा देर के लिए भी नहीं होता उनका क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ जाता.
स्क्रीन टाइम तो होता है। वैशाली, आपने आज इतनी 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 डिटेल में हम लोगों ने आज बातें की और इतना मजा आया कि हमें समय का एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि ये भी मेरा अपना भी एरिया रहा है और मैं हर चीज आपसे पूरी वाकिफ हूँ जो आप कह रहे हो। तो वाकई ड्रामा थिएटर ये एक ऐसा नशा है और ये हर एक को चढ़ना चाहिए मुझे लगता है। कई लोग मुझे नौटंकी भी बोलते थे, नौटंकी। और ड्रामा इतना मजा आ रहा है कि क्योंकि जब मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ वो सारे स्किल्स मेरे इसमें काम आ जाते हैं, है कि नहीं? तो चेहरे बनाना, मस्ती करना, पार्ट में घुस जाना, किस कुछ भी बन जाना 1 सेकंड के अंदर, तो ये सारी चीजें ड्रामा से ही तो आई हैं, है ना? और मतलब इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है, एक चीज 1 सेकंड में इंटरेस्टिंग हो जाती है, तो ऐसी चीज को क्यों छोड़ा जाए, है ना? और जितना बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, और मतलब मैं तो हर पेरेंट से यही कहूंगी कि जरूर जॉय ऑफ ड्रामा जरूर वो ना चेक करें, देखें कि कितना अच्छा काम हो रहा है और उसको जरूर ज्वाइन करें। आप तुरंत देखेंगे कि बच्चे में किस तरह से बदलाव आ रहा है, बिकॉज आई हैव सीन द चेंजेस हैपनिंग इन चिल्ड्रन। क्योंकि जब पूरे हर हफ्ते हमारे पास बच्चे आते थे स्कूल में, तो मैंने देखा है ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए बच्चों को। वैसा टाइम नहीं मिलता था जैसे आप लोगों को मिलता है, लेकिन वो ये एक पीरियड में भी मैंने काफी जब देखा तो मतलब आई एम रियली जो टू करना चाहते हैं, मैं वही बोल रही हूँ, जो हाँ करना चाहते हैं वो कुछ भी करके कर लेंगे। कर तो लेंगे। लेकिन हाँ, एक तरीका है कि वो जो जो भी बातें आपने की वो सही की बिल्कुल, और मतलब इट्स सच अ पावरफुल थिंग, सो ऑल द चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर थिएटर, फॉर ड्रामा। 6 महीने ड्रामा लगाइए और वो पूरा उम्र नहीं छोड़ेंगे। 6 महीने नहीं, मैं तो हमारा अभी हमने ये सोचा है कि 6 महीने से 1 साल से कुछ भी नहीं होता, तो एक हमारा 8 साल का पूरा प्रोग्राम, तो वाह, बच्चा जो 5 साल आई नो, का आता यू है। आर राइट, टोटली राइट। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो भी मैं देखती हूँ कि फर्क आता है। मेरे सामने सामने जो हाँ बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते थे वो कहाँ कहाँ पहुंच गए और बोलने लगे, मैं हैरान होती हूँ, मेरे कहा वाह क्या बात है। तो ये और इतनी पॉलिशिंग होती है अंदर से, होता है अपने अंदर से हाँ जागृति आती ना। तो बहुत अच्छा लगा वैशाली आज आ पाए, मेरा बड़ा मन था कि इस फील्ड पर काम करने वाला जरूर कोई मिले, और मुझे पक्का यकीन था कि आपको तो मैं खींचूंगी इसमें, एक बार जरूर लाऊंगी। और थैंक बहुत यू। बहुत अच्छा लगा वैशाली, बहुत बातें खुली, और हमारे पेरेंट्स, हमारे और भी जितने लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, मैं चाहती हूँ और ज़्यादा ज़्यादा दूर तक जाए ताकि वो लोग आपको ज़रूर रीच आउट करें और आप जॉय ऑफ ड्रामा से वाकई सबके दिलों में जॉय भरते हैं, सबके थैंक परिवारों में, परिवारों में, क्योंकि हर परिवार में जो बच्चा है उनका अपना बहुत प्यारा होता है। वो बच्चा खुश है तो परिवार खुश है, और वो बच्चा खुश होकर जब एडल्ट होता है तो वो और जीवन सब आसपास के लोगों को खुशियां बांटता है। तो जॉय ऑफ ड्रामा विल रियली रियली डू वंडर्स आई नो, एंड पीपल आर गोइंग टू एनरोल मोर एंड मोर, एंड जस्ट वेट फॉर सम थैंक यू मैम, टाइम। थैंक यू थैंक यू, एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। थैंक यू वैशाली, थैंक यू सो मच।